चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड ऑफ 2×10⁻¹⁵ टेस्ला। इफ ईच पोल ऑफ द मैग्नेट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 6×10⁻⁴ न्यूटन द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज। जैसे ये बार मैग्नेट हम कंसिडर कर लेते हैं, ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इधर साउथ पोल और इधर नॉर्थ पोल है, इधर पोल स्ट्रेंथ इस तरफ एम है, ठीक है, और दूसरी तरफ भी इसको इरेज कर दूं, ठीक है, ये पोल स्ट्रेंथ इधर एम, इधर भी एम, ठीक है। लेंथ इसकी हम कंसिडर कर लेते हैं, चलो एल कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1 m × l के इक्वल भी होती है और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू i × a के इक्वल भी होती है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दिया हुआ है, कैपिटल M की वैल्यू दिया हुआ है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। और दूसरा क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2×10⁻¹⁵। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये ध्यान रखना, इसी के अंदर इसी में बार मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। और इस पे फोर्स कितना लग रहा है, एफ की वैल्यू दिया हुआ है 6×10⁻⁴ न्यूटन। तो जब एक बार मैग्नेट किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होता है तो उस पे फोर्स लगता है, मान लो जब एस साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है, तो ये फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एम इंटू बी होती है, इधर भी फोर्स की वैल्यू एम इंटू बी होती है, एम इंटू बी होती है। अब इस फोर्स की वैल्यू से आप स्मॉल m निकाल सकते हो, f इज इक्वल टू m इंटू बी, तो m इज इक्वल टू f अपॉन बी। f की वैल्यू कितनी है, देखो 6×10⁻⁴ अपॉन बी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2×10⁻⁵। ये कितना होगा, 6/2 × ये ऊपर जाएगा 10 आ जाएगा, ये आएगा 2 से कट गया 5, 30। मैग्नेटिक जो पोल स्ट्रेंथ है वो 30 यूनिट की आ गई। अब ये वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पर इस फॉर्मूले में, m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू l, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ 3 है, 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू दिया है 30, ये स्मॉल m की वैल्यू 30 दिया है इंटू l, तो l इज इक्वल टू कितना होगा 3/30, इट मीन्स l की वैल्यू 0.1 मीटर आएगा ना। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।